जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख, इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात, लिख। और जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। कर रहे हैं तो ये लॉ जो किसी को फोर्स करता हो, एनी लॉ व्हिच फोर्सेस समवन, ठीक है ना, फोर्सेस समवन टू गिव अप देयर फंडामेंटल राइट्स, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो ये दो चीजें होंगे। और तीसरी चीज ये है कि ये तो आप ब्राह्मणिकल सोसाइटी बनाने के चक्कर में हो ना, ये तो साफ झलक रहा है, क्योंकि ये चारों कैटेगरी निकल जाए, अगर एससी एसटी दलित आदिवासी और द्रविड़ियन निकल जाए, मुस्लिम्स निकल जाए, तो बाकी तो 14% रह जाएंगे, यही देश को रूल करेंगे। तो ये तो डिक्टेटरशिप पूरा चल रहा है ना, जहां भी है। अब बात नहीं सुननी है, डेमोक्रेसी में बगैर डिस्कशन के, डिबेट के, दोनों साइड से वकील खड़ा होता है ना, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि दोनों तरफ से लोग की बॉडी बनाए और वो बैठ के कहीं फेयर डिबेट करें। वो कह रहे हैं ना कि हम समझा देंगे, तो हमें समझाएं। अरे समझाओ, तुम भी लीगल टीम ले आओ, हम भी लीगल टीम लेके खड़े हुए रहते हैं, और दोनों आदमी साथ सामने बैठते हैं, कोई उसमें कोई कटछट नहीं होगा। लीगल डिबेट जब होगा, टीवी का कोई एक शो कर लो, और उसमें कोई ऐड नहीं आएगा, कोई कटछट नहीं होगा। जैसे हम आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, तुम भी आर्गूमेंट्स कर लो, आवाम जज कर लेगी हिंदुस्तान की कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है ना। उनको भी समझ में आ जाएगा ना कि बात सही है कि नहीं है, ये जज कर लेगी। तो ये करना नहीं चाहते हो, आप अभी भी कंफ्यूज कर रहे हो, ये देने के लिए लेने के लिए नहीं है। फिर उसको चेंज करते हो, कहते हो एनपीआर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के लिए तो सेंसस एक्ट ऑलरेडी है, जिसके तहत हर 10 साल पे जनगणना होती है। कहते नहीं, ये जनगणना कर रहे हैं, पॉपुलेशन वर्ड से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो हमेशा, ये कह रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें जो है, और कह रहे हो कि मुस्लिम अफेक्टेड नहीं है, मुस्लिम को जब डाउटफुल में तो आराम से डाल दोगे। कैसे डालोगे, जो हुआ आपको आसाम में कि ऐसा है, क्या हुआ कि इन्फॉर्मेशन जो आप एनपीआर में मांग रहे हो वो 20 इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, ठीक। मान लीजिए 15 आदमी है, 15 आदमी ने 20 इन्फॉर्मेशन दी, और उसको वेरीफाई करके 5 आदमी का करेक्ट पाया गया, 5 आदमी अंदर क्लियर हो गया। अब बचे 10, 10 में से 5 मुस्लिम और 5 हिंदू, ठीक है, हो सकते हैं। तो 5 जो मुस्लिम बचे, मुस्लिम्स के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा, कहोगे कि तुम हिंदुस्तान छोड़ के जाओ, या तुम भी इसमें एप्लीकेशन दे दो, तुम भी हिंदू बन जाओ, क्योंकि उसमें मुस्लिम का कलम नहीं है। इससे लीगली फोर्सफुल कन्वर्जन, लीगली जो आर्टिकल 25 से डायरेक्ट हिट हो जाता है, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच प्रैक्टिस प्रोपेगेट रिलीजन फेथ, डायरेक्ट क्लियर है, हिट हो रहा है। या मुस्लिम के पास तो कोई ऑप्शन नहीं छोड़ोगे ना, या तो देश छोड़ के जाओ, या डिटेंशन सेंटर में जाओ, या फिर तुम हिंदू हो जाओ, राइट। तो ये अनलॉफुल नहीं हुआ, ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। किस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसका, क्योंकि आपने वहां से मुस्लिम को निकाला है, किस पर्पज से, किस पर्पज से। और ये कंट्री 3 ही डाला है, कौन से 3 कंट्री डाला, अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश, ताकि दुनिया को दिखा सके कि मुसलमान कहां से आ सकते हैं, यहीं से। श्रीलंका को नहीं डाला आपने, नेपाल को नहीं डाला आपने, भूटान को नहीं डाला आपने, आप समझ रहे हैं। तो नेपाल भूटान ये क्या, जिनका जो है ये बॉर्डर सटा हुआ है, तो वो बॉर्डर जो सटा हुआ है, जहां से जहां ज्यादातर तो गरीब हिंदू वहीं रहते हैं, इन 3 कंट्री में तो रहते ही नहीं है, ठीक है। तो निशाना क्लियर कट मुसलमान की तरफ है, ठीक है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है उसने अपना फैसला सुना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट को अब ये देखना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को, जो जन जन भावनाएं इस वक्त हैं, उसको रियलाइज करेगी कि ये चोरी पकड़ी गई है सरकार की। बाकी सब चोरियां भी पकड़ी जाएंगी, अब सरकार की चोरियां राफेल में, सरकार की चोरियां जो बैंकों में लूट मचाई है, सरकार ने जो किसानों के जो आत्महत्या सबसे ज्यादा हो रही है, सरकार ने जो सारे हमारे पब्लिक निकाय हैं जो बेच दिए हैं इंडस्ट्रीज के हाथों, वो सब चोरियां पकड़ी जाएंगी एक के बाद एक। सुप्रीम कोर्ट भी मेरे ख्याल से अब इस बात को समझ चुकी है, और जो दबाव 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने बताया था, वो शायद अब इस जन आंदोलन से कम होगा और न्याय होने की ज्यादा संभावना बढ़ती है। और जो रोज नामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज नामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर जगह की है वो वारदात लिख। और जो वाकयात हो चुके उनका तो जिक्र है, जो वाकयात हो चुके उनका तो जिक्र है, लेकिन जो होने चाहिए वो वाकयात लिख। और आखिरी शहर है कि इस बाग में जो देखनी हो तुझको फिर बहार, ये हम सब लोगों के लिए है, सब वकीलों के लिए, कि इस बाग में जो देखनी हो तुझको फिर बहार, तू डाल डाल दे सदा, तू बात बात लिख। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख, इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात, लिख।